अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्टोरी सीरीज में आज हम एक नई स्टोरी पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन सीखेंगे। हम एक एक सेंटेंस पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा उर्दू में करेंगे और मुश्किल अल्फाज के माने ऊपर में लिख देंगे, साथ ही साथ ग्रामर से जुड़ी बातें भी बताएंगे। फ्रेंड्स, स्टोरी से आप इंग्लिश पढ़ना, समझना, बोलना और लिखना बहुत आसानी से सीख जाएंगे, वो भी बहुत कम वक्त में। स्टोरी सीरीज पे हम इसी तरह का वीडियो लाते रहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टोरी पढ़ना शुरू करते हैं। द ओवर कॉन्फिडेंट स्कॉलर्स। ओवर कॉन्फिडेंट ज्यादा पुरेतमाद, जो खुद पर ज्यादा भरोसा करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट। स्कॉलर्स आलिम, पढ़े लिखे लोग, तालीम याफ्ता लोग, शिक्षित लोग। इन अ विलेज लिव्ड फोर स्कॉलर्स नेम्ड धर्मा, परम, रवि एंड विजय। इन अ विलेज, एक गांव में लिव्ड, रहते थे फोर, चार स्कॉलर्स, तालीम याफ्ता लोग। एक गांव में चार आलिम लोग रहते थे, तालीम याफ्ता लोग रहते थे, जिनका नाम धर्मा, परम, रवि और विजय था। देव वेरी गुड फ्रेंड्स, वो काफी अच्छे दोस्त थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, दोस्त, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वाइल धर्मा, परम एंड रवि यूज्ड देयर नॉलेज एंड डेवलप्ड अ यूनिक स्किल, विजय डिड नॉट। जहाँ धर्मा, परम और रवि अपने इल्म का इस्तेमाल करते और अपने हुनर को निखारते, विजय ऐसा नहीं करता था। यूज का पास्ट फॉर्म है, यानी सेकेंड फॉर्म है, डी लगाकर इसको पास्ट बनाया जाता है। इसका मतलब इस्तेमाल करते थे, पास्ट में करते थे। यूज्ड देयर नॉलेज, नॉलेज मीन्स इल्म, ज्ञान। एंड डेवलप्ड, डेवलप का पास्ट टेंस है, ईडी लगाकर इसको डेवलप प्रेजेंट टेंस है, ईडी लगाकर पास्ट बनाया गया है, मींस निखारना। यूनिक, यूनिक मतलब खास, मुनफरिद, सबसे अलग। स्किल हुनर, जहां धर्मा, परम और रवि अपने इल्म का इस्तेमाल करते और अपने हुनर को निखारते, रवि ऐसा नहीं करता था। So he was considered a fool by the other three. इसीलिए तीनों दोस्त उसको बेवकूफ समझते थे, considered समझते थे। Consider present tense है, considered ed लगाकर उसको past बनाया गया है, means समझते थे। A fool, बेवकूफ। One year famine struck the village. एक साल कहत आ गया, सूखा पड़ गया। कहत means famine means कहत, सूखा। Struck, strike present form है, struck उसका past form है। Strike means मारना भी होता है, यहाँ पे आ गया, यानी एक साल कहत आ गया। All the four scholars decided to shift to another विलेज। ऑल द फोर स्कॉलर्स, उन चारों लोगों ने फैसला किया गांव बदलने का, उस गांव से दूसरे गांव चले जाने का फैसला किया। विच वॉज अक्रॉस अ फॉरेस्ट, जो जंगल के उस पार था। तो यहां देखिए डिसाइड का पास्ट टेंस है, डिसाइडेड मीन्स फैसला किया, टू शिफ्ट चले जाना, बदल लेना, गांव बदली कर लेना या चले जाना, टू अनदर विलेज दूसरे गांव, अनदर विलेज दूसरे गांव। विच वॉज, जो था अक्रॉस अ फॉरेस्ट, अक्रॉस मीन्स पार, जंगल के पार, जंगल की उस तरफ, दूसरी तरफ, जंगल के उस पार। एज दे वर वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जैसे ही वो जंगल से गुजर रहे थे,
वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से गुजर रहे थे. वॉकिंग गुजर रहे थे. थ्रू से द फॉरेस्ट जंगल. दे साव बोन्स ऑफ एन एनिमल. दे साव उन्होंने जानवरों की हड्डियां देखी. साव सी का पास्ट टेंस है, मींस देखा. सी माने देखना. साव देखा. बोन्स हड्डियां. ऑफ एन एनिमल जानवर की. धर्मा रिमार्क्ड. धर्मा रिमार्क्ड. धर्मा ने राय पेश की. दीज आर द बोन्स ऑफ लायन. दीज आर द बोन्स ऑफ लायन. ये शेर की हड्डियां हैं. द अदर्स अग्रीड. दूसरे लोग मान गए. अग्रीड मीन्स मान गए. दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट आर लर्निंग. ये हमारे इल्म को जांचने का अच्छा मौका है. दिस इज अ ग्रेट. ग्रेट मीन्स अच्छा. अपॉर्चुनिटी मीन्स मौका. टू टेस्ट मीन्स जांचना. आर लर्निंग इल्म. ये हमारे इल्म को जांचने का अच्छा मौका है. सेड परम एक्साइटेडली. परम ने जोश में आके कहा. यूजिंग हिज टैलेंट ही ब्रॉट द बोन्स टुगेदर टू फॉर्म द एस्केलेटन ऑफ अ लायन. यूजिंग हिज टैलेंट उसने अपने हुनर का इस्तेमाल करके तमाम हड्डियों को इकट्ठा किया और एक शेर का ढांचा तैयार किया. यूजिंग हिज टैलेंट हुनर को इस्तेमाल करके. यूजिंग इस्तेमाल करके. टैलेंट हुनर. ब्रॉट द बोन्स टुगेदर. ब्रॉट टुगेदर मीन्स जमा किया. द बोन्स यानी हड्डियां. टू फॉर्म तैयार किया. द एस्केलेटन ढांचा कंकाल ऑफ अ लायन शेर का. धर्मा पुट मसल्स एंड टिश्यू ऑन इट. धर्मा ने उसमें गोश्त पोश्त डाला. रवि सेड प्राउडली. रवि ने फख्र से कहा. प्राउडली मीन्स फख्र से. रवि सेड प्राउडली. आई कैन ब्रीद लाइफ इन टू द बॉडी. मैं इसमें जिंदगी डाल सकता हूँ. ब्रीद लाइफ मीन्स जिंदगी डालना, सांसें डालना. इन टू द बॉडी इस मुर्दा जिस्म में, इस जिस्म में जिंदगी डाल सकता हूँ. बट बिफोर ही कुड. लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा करता, विजय वॉन्ड. विजय ने तंबी दी. विजय ने उसे रोक दिया. नो प्लीज डोंट. नहीं ऐसा ना करो. प्लीज डोंट. मेहरबानी करके ऐसा ना करो. इट विल किल अस ऑल. ये हम सबको खा जाएगा. रवि टर्न्ड अ डेफ ईयर टुवर्ड्स हिज प्ली. टर्न्ड अ डेफ ईयर. रवि ने उसकी दरखास्त को अनसुना कर दिया. टर्न्ड अ डेफ ईयर. डेफ ईयर मीन्स अनसुना. टर्न्ड कर दिया. टुवर्ड्स हिज प्ली उसकी दरखास्त को. दस विजय रैन टुवर्ड्स द नियरेस्ट ट्री एंड क्लाइम्ड अप टू द टॉलेस्ट ब्रांच. इस तरह विजय पास के ही एक दरख्त की तरफ दौड़ा और सबसे ऊंची शाख पे चढ़ गया. विजय रैन. रन का पास्ट टेंस है. रैन जिसका मतलब है दौड़ा. टुवर्ड्स द नियरेस्ट ट्री पासी के एक दरख्त की तरफ. एंड क्लाइम्ब चढ़ गया. क्लाइम्ब अप चढ़ गया. टू द टॉलेस्ट सबसे ऊंची ब्रांच शाख. सबसे ऊंची शाख पे चढ़ गया. एज सून एज रवि पुट लाइफ इन टू द डेड लायन इट अटैक्ड एंड किल्ड द थ्री ओवर कॉन्फिडेंट स्कॉलर्स. जैसे ही रवि ने उस मरे हुए शेर में जान डाली, उसने हमला कर दिया और उन तीनों स्कॉलर्स को मार डाला. एज सून एज मीन्स जैसे ही. पुट लाइफ जान डाला. इन टू द डेड लायन मरे हुए शेर में. इट अटैक्ड इसने हमला कर दिया.
अटैक का पास्ट टेंस है अटैक्ड, ईडी लगाकर पास्ट बनाया जाता है, यानी हमला कर दिया। एंड किल्ड, मार डाला, किल का पास्ट टेंस है किल्ड, मार डाला। द थ्री ओवर कॉन्फिडेंट स्कॉलर्स, वो जो ज्यादा पुरेतमाद, ज्यादा कॉन्फिडेंट स्कॉलर्स थे, उन तीनों को मार डाला। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें क्या नसीहत मिलती है? ओवर कॉन्फिडेंस इज हार्मफुल, ज्यादा पुरेतमादी नुकसानदायक है। तो हमें कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका बड़ा नुकसान है। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, इसका नतीजा हमेशा बुरा आता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। उम्मीद करते हैं आज की स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।